हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे पहले व्लॉग में। सो आप लोगों से जो भी मुझे नहीं जानता है, तो पहले उन्हें मैं बता दूं कि मैं उत्तराखंड से हूं, खटीमा से। सो ये मेरा पहला व्लॉग है और आज मैं 8 साल बाद अपने होम विलेज जा रहा हूं, सो जो कि है पहाड़ों में। सो यहां खटीमा से मैं निकलूंगा आज, और पूरा एक दिन का ये रास्ता है। सो लगभग 9-10 घंटे लगते हैं हमें वहां जाने को। सो पूरी जर्नी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे हम वहां जाते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं। सो बहुत मजा आने वाला है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, और साथ में मेरी मदर भी है। ओके, हम दोनों जा रहे हैं। हाय कर दो। हाय। तो गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। सो अभी उजाला हो गया है काफी सही। गाड़ी वाला जो ड्राइवर है वो भी आने वाला है बहुत जल्द, अभी कॉल आया था उसका। तो गाइस, ये है मेरी बकरी, इसका नाम है मनी। सो मनी हाय कह दो। सो गाइस, अपन जाने के लिए फुल रेडी हो गए हैं। ये है मेरा बैकपैक, इसमें मेरे थोड़े कपड़े और मेरा थोड़ा ड्राइंग का सामान है। ये मेरी आमा है, सो आमा का आशीर्वाद लेते हैं। टीका वगैरह लगा लिया है, पहाड़ों में निकलते हैं। वो रही हमारी गाड़ी, जीप, इसमें हम जाएंगे। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं, चलती से थोड़ा आगे पहुँचे हैं, इसके बाद हम चंपावत मार्केट पहुँचेंगे। सो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सीन चेक करो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नदी है इस तरफ। सो ये नदी है एक, यहाँ पे खनन वनन का काम चलता है ज़्यादातर। ये जो रास्ता है, यहाँ से हम आए हैं और इस तरफ को हम जा रहे हैं। वो रहे हमारी गाड़ी। सो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं चंपावत मार्केट में, जो मेन मार्केट है। यहाँ से मिठाई विठाई ले रही मम्मी। वैसे भी हम बाराकोट में उतरे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम थोड़ा लंच वंच कर लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। सो गाइस, लोकेशन चेक करो, यहाँ पे होटल है, ये दुकान है, और ऊपर पहाड़ है। सो गाइस, अभी मैंने चने ऑर्डर किए थे और मैं चने खा ले रहा हूँ। बाकी सबका तो जितने साथ में गाड़ी में, बाकी सभी का बर्थ है, क्योंकि वो मंदिर जाने वाले हैं ना। काफ़ी टेस्टी हो रहा है, जल्दी से खाते हैं इनको और फिर चलते हैं। गाइस, पिथौरागढ़ पहुंच गए और यहां से अब हम दूसरी गाड़ी ले रहे हैं। ये है बैग मम्मी का और ये मेरा बैग। तो याली गाड़ी में हम जा रहे हैं अब झूलाघाट तक। तो गाइस, अभी मैं बस अड्डी की ओर जा रहा हूं, यहां पिथौरागढ़ के, और गाड़ी वाले को 2 पैसेंजर करने हैं, तो 2 ऑलरेडी हम लोग हो गए हैं, तो इसलिए वो पहुँचने गए। तब तक मैंने कहा कि थोड़ा घूम लेता हूँ उस तरफ। तो वो रहा सामने यहाँ का बस अड्डा पिथौरागढ़ का। ज़्यादा तो यहाँ मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मुझे जाना होगा यहाँ से। झूलाघाट पहुंच गए हैं और यहाँ पे बैग पकड़े हुए। सो ये हमारी फाइनल लोकेशन नहीं है, इसके पार हमें बॉर्डर पार करना है। सो ये इंडिया में पड़ता है झूलाघाट, छोटा सा शहर है, मैंने आपको ऊपर से दिखा दिए। सो झूलाघाट तो इतना ही था, अब ख़त्म होने को आया है। सो अब पार जाते हैं नेपाल तरफ। सो गाइस, अभी झूलाघाट मार्केट पर थोड़ा ये राशन लेने के लिए रुके हैं यहाँ पर। ऐसे है यहाँ का मंदिर। सो घंटे बजा देते हैं। तो गाइस, अभी हम बॉर्डर पे हैं, एग्जैक्ट बॉर्डर पे। जो पीछे देख रहे हो आप, हम इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। सो जो आगे हम जा रहे हैं वो है नेपाल, नेपाल की ओर। और ये नीचे चेक करो, रिवर, महाकाली नदी कहते हैं इसको, काली रिवर भी कहते हैं। तो काफ़ी डरावनी लगती है, देख सकते हो आप। ये चेक करो गाइस, कितना खतरनाक है।
तो नेपाल में हम एंट्री कर चुके हैं और अच्छा सो गाइस नेपाल में एंट्री ले चुके हैं। सो यहाँ पे पुलिस वाले पूछताछ भी करते हैं शुरू में कि कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, एंट्री करनी पड़ती है। तो ऐसी सीढ़ी वाली चढ़ाई है यहाँ पे जो कि हम थोड़ी देर नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं। सो गाइस फाइनली सीढ़ी पार करके ऊपर पहुँच चुके हैं यहाँ पे। वो देखो वो जो ब्रिज दिख रहा है, हम वहाँ से आए थे ऊपर। इस एरिया में पूरी सीढ़ी सीढ़ी है इस नेपाल तरफ में। सो गाइस ये चेक करो कितनी खतरनाक लग रही है। वीडियो में उतना जज नहीं हो रहा होगा बट सामने से ना इतनी गहरी वो लग रही है ना, यहाँ से कोई गिर गया ना गाइस तो उसका तो बचने का कोई चांस ही नहीं। सो वहाँ वो आपको रोड दिख रही होगी नदी के उस पार, वहाँ से हम आए थे। वो इंडिया है एक्चुअली और ये है नेपाल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। ये रोड है गाइस, ये जाती है नेपाल को सीधे जहाँ हमारा गाँव है। सो ये आखिरी स्टॉप, यहाँ से आखिरी स्टॉप होगा हमारा, यहाँ से आप गाड़ी लेके जाएंगे तो फिर हमारा गाँव आ जाएगा। फिर दिखाते हैं आपको कि हमारा गाँव कैसा है। गाइस फाइनली मैं अपने लास्ट स्टॉप पे पहुंच गया हूं। सो यहां से मेरा गांव दिख रहा है, छोटा सा विलेज है, 9-10 घर हैं और उन्हीं में से एक मेरा भी घर है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के 7-8 साल बाद। अब आपको दिखाता हूं। तो वो देखो गाइस वो वाला है मेरा गांव। सो यहां पे आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे घर यहां से दूर से, कितने प्यारे प्यारे खेत हैं। सो गाइस चल दिया हूं मैं अपनी गाँव की ओर और यहां पे एक अच्छी सड़क है और जो नीचे जा रही है गांव को सीधे। सबसे पहले नोले में जाएगी, नोले से ऊपर फिर हम जाएंगे। नोला बोले तो कुआं होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हमारी मम्मी, इनसे पहले आपको मिला चुके हैं हम। सो चलो चलते हैं, आप पहले एक थंबनेल ले लेते हैं पीछे अपने गांव के साथ में। तो गाइस आपको एक पेड़ दिखाना था मुझे, इसको कहते हैं चीड़ का पेड़, आपने सुना होगा पाइन ट्री वो वाला। तो गाइस मम्मी और मैं अभी एक्सट्रीम एडवेंचर करते हुए यहाँ पे। तो गाइस नोले में हम पहुंच चुके हैं। सो ये रहा नोला जिसको कुआं कहते हैं हिंदी में। ये है छोटू, यहाँ पे नहा रहा है, मछली पकड़ रहा है। देखो आ रहा, ये रहा ये। मिली कितनी मछली मिली, अरे बता बता। तो यहाँ पे बच्चे थोड़े बहुत नहा भी रहे थे। सो देखो यहाँ पे पीछे थोड़ी सी गाढ़ भी है, यहाँ पे गाढ़ कहते हैं इसको। सो अंदर मैं आपको मछलियां दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत इसमें मछलियां भी है। कितनी बड़ी बड़ी मछलियां है। तो वैसे ये पानी पीने का काम आता है, काफी ठंडा पानी होता है, अभी थोड़ा गंदा हो रखा है वैसे उस बच्चे की वजह से। कहाँ गया वो रहा। वही है इसका जिम्मेदार। वो देखो वो मेरा छोटा भाई है, देखो कितना मेहनती इंसान है। यहाँ से ऊपर वहाँ टॉप पे गांव है, तो यहाँ के जितने भी सभी लोग हैं ऐसे ही बोझा बोक के जाते हैं ऊपर। और जैसे पानी यहाँ से निकाल के, पानी 40-40 लीटर का जार लेके जाते हैं और पानी पीने के लिए भी इतना स्ट्रगल करते हैं। सो नेपाल सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, घर घर तक पानी पहुँचाना चाहिए। सो गाइस नोले पे कार्यक्रम तो हमारा हो गया है, अब घर की ओर चलते हैं। सो काफी चढ़ाई करनी है ऊपर, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊपर। सो चलो चलते हैं। तो गाइस हमें वो वहाँ ऊपर जाना है, आपको रोड दिख रही होगी। सो गाइस गांव के लिए रोड जा तो रही है बट अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है, खाली खुदाई हो गई है और ये थोड़ा गांव को घूम के जाती है तो इसलिए लोग यहाँ से जाते नहीं, जाते यहाँ से हैं। मेरे जैसा रास्ता है, पहाड़ों में तो वैसे ऐसे ही रास्ते होते हैं। सो ऐसे ही रास्तों पर स्ट्रगल करते हुए बहुत ऊपर ऊपर तक की चढ़ाई करनी पड़ती है। सो गाइस ये काफ़ी प्यारा फूल लग रहा है, ये घास वाला फूल है तो देखो हर जगह मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस हम तो थक गए हैं, तो पहाड़ पे चलने वाले आदत नहीं है हमें। सो इतना ही चल के काफ़ी हालत टाइट हो गई है नोले से यहाँ तक। गाइस आपको एक पत्ता दिखाता हूँ मैं, ये जो पहाड़ों पे ये मिलता है पत्ता, इसको मैं टैटू पत्ता कहता हूँ। सो गाइस ये पत्ता है और ये हमने मारा इस पर, तो ये देखो मस्त लग रहा है ना, लीफ टैटू। सो गाइस गाँव एकदम नज़दीक आ गया बिल्कुल, देखो वहाँ पे घर भी स्टार्ट हो गए दिखने। करो इसके जूस चेक करो, अगर ये लग जाए ना तो बहुत जलन होती है, इसे बिच्छू घास कहते हैं। और ये इसमें कांटे होते हैं छोटे छोटे, अगर ये आपको लग जाए ना आपकी त्वचा पे तो बहुत जलन होती है, मधुमक्खी के डंग नहीं मार देते हैं वैसा होता है। सो गाइस देखो ये गांव का गेट मान सकते हो, सबसे पहले ये घर इनका पड़ता है। सो गाइस गांव के लास्ट में मेरा घर पड़ता है। सो हम पहुंच गए हैं फाइनली। सो ये रहा चेक दिस, ये हमारा घर है। सो ये पूरा यहाँ से लेके आगे तक कच्चे मकान टाइप के हैं, ये पत्थर वाली ऊपर की शेड रहती है इनकी। तो गाइस यहाँ पे बकरियाँ भी पाल रखी हैं, देखो कितनी प्यारी प्यारी सी हैं, 2-3 बकरियाँ। तो गाइस ये है हमारा ऊपर वाला मकान जो कि ऊपर तरफ है, पूरा लंबे में है ये ऐसे, और ऊपर वहाँ पे हमारा मंदिर है। पेड़ के पीछे ये आले घर से दिख नहीं रहा है। सो गाइस घर पे तो मैं पहुँच गया और एक अभी बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे हम जाने वाले हैं जहाँ पे से मैं आपको दिखाऊंगा एक अमेजिंग व्यू।
तो गाइस उस लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी गहरी खाई है आगे तरफ। अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से ये उस वाले पहाड़ पे जाने का रास्ता है। वो अब नीचे आपको दिख रही होगी नदी, महाकाली काली नदी दिख रही होगी आपको। यहाँ से कितना प्यारा व्यू आता है। इस कैमरे में अभी थोड़ा चमक आ रही धूप से, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप नीचे देख सकते हो, वहाँ देखो गाइस कितना खतरनाक है। मतलब यहाँ से कोई गिर गया ना तो बचेगा नहीं, कसम से कह रहा हूँ। एक लास्ट चीज जो मुझे आपको दिखानी है, उसके बाद हम ब्लॉग एंड करेंगे। ये चेक करो गाइस, सनसेट सीन है। मैं घर जाने के बाद फिर से आया यहाँ। किसी बंदे ने रिकमेंड किया कि भाई तू वहाँ पे जा। देखो गाइस यहाँ पे रिवर है, वो जो काली नदी मैंने आपको बताई थी। तो मैं थोड़ा काला आ रहा हूँ, पर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बट सनसेट सीन प्यारा है, मैं आपको बैक से दिखाता हूँ, बैक कैमरे से। चेक करो गाइस कितना मस्त लग रहा है लैंडस्केप, सनसेट व्यू। यहाँ पे बैठ के देखने में ना गाइस अलग ही मजा आ रहा है, क्या बताऊँ। दिल आनंद हो गया, गदगद हो गया, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो जब तक ये पूरा सनसेट नहीं हो जाता तब तक मैं आपको। सो गाइस टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल। यही था दिया है इस ब्लॉग का, दिया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो गाइस ये देखो हमें क्या मिला यहाँ पे। तो कौन सा जानवर है भाई, कौन सा विचित्र जानवर है ये। चल भाई बाय बाय।